इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है पहले ही समझ चुके हैं, इसके बारे में कूलम्ब्स ने लॉ दिया था, जो कोई भी दो अब चार्ज है तो उस दोनों के बीच फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब यहां पे है कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना क्या पड़ेगा, जो हमारे यूनिवर्स में कौन कौन से थिंग्स हैं, कितने टाइप्स के थिंग्स हैं, और उन सबों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे कैसे होगा। तो जो भी यूनिवर्स में थिंग्स हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के हैं, वो तीन टाइप्स के ही होते हैं। पहला क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है इसके पास सिर्फ क्या है, लेंथ है, तो ये वन डायमेंशनल में आ गया, इसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है जो इसका लेंथ है। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके होल लेंथ पे होगा, पॉजिटिव 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 होल लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसके पास ये फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब इसके पास दूसरा कोई एनोदर चार्ज लाते हैं। तो एनोदर चार्ज जो होता है वो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल के लिए क्यू जीरो लिया है, तो ये होल सरफेस जो है ये क्यू जीरो पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए इसके पास जितने भी चार्ज है उसके लिए इसके लिए इसके पास से पॉइंट चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो होल सरफेस तो लेंथ है एल है, लेकिन किसी भी पॉइंट द्वारा जो Q0 पे चार्ज एक्सपीरियंस किया जाएगा तो वो कितना होगा। तो होल सरफेस किसी चीज का L है तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको डेरिवेटिव ऑफ L बोलते हैं, जिसको कि dL लिखा जाता है। ये dL क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ L, जो कि जो भी लेंथ है उसका स्मॉल पार्ट। अब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोगों का लेंथ होता है सिर्फ उसी पे होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास सिर्फ लेंथ हो, जैसे कोई भी पतला सा वायर लेंगे तो जो भी पतला वायर रहेगा तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग उसका ब्रेथ और जो उसका थिकनेस होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लगभग नेग्लिजिबल रहता है। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उस पर कितने आ जाएंगे फोर्स के अमाउंट्स, तो हम लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं इस लॉ के थ्रू। अब यहां पे देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसको लैम्डा बोला जाता है। फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों का सरफेस लीनियर है तो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या हो जाता है हम लोगों का लैम्डा होता है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो होल सरफेस पे लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, लेकिन इस स्मॉल सरफेस पे कितना होगा, तो लैम्डा इंटू डी एल। तो यहां पे लिखेंगे चार्ज डी क्यू, होल सरफेस पे तो सिर्फ डी क्यू चार्ज रहेगा, तो डी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। इसको जो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, डी क्यू, डी क्यू का अमाउंट आ जाएगा जो कि इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे अपीयर है डी क्यू चार्ज। अब इस दोनों के बीच फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो जो भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देखते हैं वो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल क्या होता है, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ओ, या ई नोट पढ़ सकते हैं एप्सिलॉन ओ, और जो हम लोगों का पहला चार्ज है ये क्या है, डी क्यू है, और जो दूसरा सेकेंड चार्ज है ये पूरा क्यू जीरो है। तो सेकेंड चार्ज लिख लेते हैं क्यू जीरो, इंटीग्रल ऑफ होल सरफेस, इंटीग्रल ऑफ होल लेंथ, यहां पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ होल लेंथ। जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे लेंथ पे हो रहा है। अब स्मॉल पॉइंट पे कितना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, डी क्यू,
तो यहां पे देखेंगे डी क्यू के बदले इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, डी एल इंटू लैम्डा, डी एल लैम्डा अपॉन जो इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा उसको आर से डिनोट करते हैं, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये फोर्स है, इसके पास डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए आर यूनिट वेक्टर हम लोग यहां पे लगाते हैं। सेकेंड जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का सरफेस रहेगा, ऐसा रहेगा जिसके पास की लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। जो हम लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें क्या है, लेंथ के साथ साथ इसके पास ब्रेथ भी है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, जो भी हम लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके होल सरफेस पे चार्ज आ जाएंगे। चार्ज कहां पे आएंगे, इसके जितने भी पूरे सरफेस है उस होल सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस चार्ज आ जाएगा। तो सरफेस चार्ज पूरा एस हुआ, तो यहां पे छोटा सा सरफेस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एस। जो हमारा वंस अगेन एनोदर चार्ज होगा उसको क्या लिखेंगे, क्यू जीरो। कोई भी चार्ज ले लेते हैं एनोदर चार्ज, दो चार्ज रहेगा तभी तो उन दोनों के बीच फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो ये क्यू जीरो हो गया। अब ये डी एस फोर्स एग्जर्ट करेगा क्यू जीरो पे, डी एस और क्यू जीरो के बीच फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दोनों के बीच वंस अगेन डिस्टेंस आर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं लेकिन आर लिया जाता है, आर ले लेंगे। अब यहां पे देखेंगे जो हम लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो सिग्मा इनटू इस होल सरफेस पे क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू जो हम लोग का आएगा डी क्यू का वैल्यू, वंस अगेन यहां पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस, ये क्या आ जाएगा, डी क्यू का वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्या हो जाएगा, लिनियर चार्ज डेंसिटी था अब आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है, ये सिग्मा होता है, ये इस साइन को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा हो गया। अब चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा स्मॉल सरफेस पे, डीएस है, डेरिवेटिव ऑफ एस है, तो स्मॉल सरफेस हम लोगों ने लिया है, तो चार्ज का अमाउंट ऑन होल सरफेस क्या आ जाएगा, चार्ज डी क्यू, वंस अगेन चार्ज डी क्यू होगा, क्या आ जाएगा, सरफेस है तो सिग्मा इंटू डी एस। अब दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका अमाउंट क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वंस अगेन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ओ, ये क्यू जीरो, क्यू जीरो ही रहेगा, ये तो पूरा पॉइंट ही चार्ज, पूरा पॉइंट ही चार्ज है, इस पे जो पॉइंट चार्ज है उसका क्या नेम है, डी क्यू। तो यहां पे हम लोगों का आ जाएगा इंटू क्यू जीरो इंटीग्रल ऑफ होल सरफेस, ये जो इंटीग्रल होता है ये पूरे सरफेस का लेते हैं जिससे कि पूरे सरफेस का चार्ज कैलकुलेट हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ होल सरफेस, और डी क्यू के इस प्लेस पे क्या लिखेंगे, वंस अगेन सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस अपॉन क्या आ जाएगा, यहां पे वंस अगेन हम लोगों का जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, इसके पास भी डायरेक्शन होगा। तो ये था दूसरा टाइप का चार्ज, जो भी हम लोगों का सरफेस है, जैसे कि एक पेज लीजिए, एक पेज में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ तो होता है लेकिन उसका हाइट थिकनेस जो होता है उसका वो नेग्लिजिबल के आसपास रहता है, तो उस टाइप का जो भी पार्टिकल रहेगा उस पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के थ्रू, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे, और उसका वैल्यू जो आएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको हम लोग इस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्टिकल का जो टाइप होता है वो क्या हो जाता है, थ्री डायमेंशनल पार्टिकल, जो कि हम लोगों का अर्थ है, जितनी भी चीज देखते हैं जो भी चीज है वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल पार्टिकल। इसमें क्या आता है, थ्री डायमेंशनल जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होंगे। जब भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो गया तो इसका मतलब ये क्या कंटेन करता है, ये वॉल्यूम कंटेन करता है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगा, इसके पूरे वॉल्यूम पे आ जाएगा। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके पूरे वॉल्यूम पे आ जाएगा, पूरे वॉल्यूम पे इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों का ये जो स्मॉल एरिया लेंगे
वो क्या आ जाएगा, वंस अगेन डीवी, जो स्मॉल एरिया लेते हैं वो हम लोग का डीवी हो गया। अब एनोदर चार्ज जो हम लोग का है, वंस अगेन हम लोग अगर कोई भी पॉइंट चार्ज लेते हैं जिसका की वैल्यू क्या है, क्यू जीरो। अब फोर्स किस किस के बीच एक्सपीरियंस होगा, जो ये डीवी है और ये क्यू जीरो है, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो इस डीवी और क्यू जीरो के बीच फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। इसको थर्ड को लिखेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको क्या बोल चीज से डिनोट करते हैं, उसको रो से डिनोट किया जाता है। ये साइन आता है रो, ये साइन होता है रो का, इसको रो से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहां पे देखेंगे डीवी पे कितना लगेगा, डीवी पे जो डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे रो डीवी, रो इंटू डीवी, ये आ जाएगा हम लोगों का जो सेकेंड चार्ज होगा, सेकेंड पॉइंट है इसका डी क्यू, उस पे चार्ज का अमाउंट क्या आ जाएगा, रो डी वी। अब यहां पे वन सेकेंड चार्ज का अमाउंट लिखेंगे, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ये डी क्यू तो स्मॉल जो वॉल्यूम है उस पे चार्ज का अमाउंट है, जैसे ही होल पे करेंगे तो वन सेकेंड इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ होल वॉल्यूम, तो फोर्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ओ फ्रॉम कूलम्स लॉ, और जो हम लोगों का वन सेकेंड फर्स्ट चार्ज है वो क्यू जीरो है, तो वो क्यू जीरो का क्यू जीरो ही रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ होल वॉल्यूम, इंटीग्रल हो जाएगा पूरे वॉल्यूम का। और इसके बाद क्या आ जाएगा, जो हम लोग का डी क्यू है, डी क्यू का वैल्यू यहां पे देखिए क्या आ गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, वॉल्यूम पे जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डी क्यू जो है वो आ जाएगा रो डी वी, तो यहां पे ले लेंगे हम लोग रो डी वी अपॉन वन सेकेंड, डिस्टेंस इस दोनों के बीच आर ही रहेगा, डिस्टेंस हमेशा आर ही ले रहे हैं तो आर ही लेंगे, डिस्टेंस आर ही रहेगा, आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, इसके पास भी डायरेक्शन होगा क्योंकि फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो ये हो गया आर यूनिट वेक्टर। तो यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मेरे पास तो तीन ही टाइप के सरफेस होते हैं, एक ऐसा होता है जिसके पास की सिर्फ लेंथ होता है तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है लैम्डा, और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा डी क्यू, इसके स्मॉल जो इसका स्मॉल लेंथ होगा उस पे चार्ज का अमाउंट डी क्यू आ जाता है छोटा चार्ज। अब इसका इंटीग्रल ऑफ होल एल जैसे ही करते हैं तो पूरे लेंथ पे जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वैल्यू यहां से आ जाता है। उसी तरह फिर हम लोग देखते हैं सरफेस में क्या है, तो जैसे ही इंटीग्रल ऑफ होल सरफेस करते हैं तो पूरे सरफेस पे जितना चार्ज का अमाउंट रहता है वो यहां से कैलकुलेट हो जाता है। फिर थर्ड में आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको कि रो बोला जाता है, जो पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वहां पे कोई एनोदर चार्ज क्यू जीरो ले जाते हैं तो उस दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यही था हम लोगों का आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वेट का। थैंक यू।